अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स. बच्चों, हम जूलॉजी सेक्शन का चैप्टर 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, इम्यूनिटी क्या है, उसके कुछ टाइप्स पढ़े. लास्ट हमने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा. आज हम उसी के आगे कॉन्टिन्यू करेंगे. दैट अवर नेक्स्ट टाइप इज़ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. एक ऐसे इम्यूनिटी की टाइप है, और यू कैन से ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, मींस कि एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है कि जो कैसे काम करता है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाएगा. ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी, और वो एंटीबॉडीज़ जो होंगी ब्लड में प्रेजेंट होंगी. ह्यूमरल इम्यूनिटी को इसीलिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली क्या है, बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि ब्लड बॉडी फ्लूइड, सो वहाँ से ये एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं, वहाँ से ये रिस्पॉन्स बनता है. इसीलिए इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमर, जिसे हम बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं. सो इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ये एंटीबॉडीज़ के थ्रू मीडिएटेड है. सो अगर कभी आपको 1 मार्क में पूछ लिया जाए दैट विच इम्यूनिटी इज़ नाउन एज सेल सॉरी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीन क्या है, या वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है, या इम्यूनाइजेशन क्या है. सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन और वैक्सीनेशन. सो इट इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. ठीक है, मतलब अगर हम कोई वैक्सीन लगा रहे हैं, जैसे अभी आपको पता है कि कोविड का टाइम है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस टाइम रश इस चीज़ का ही है कि वैक्सीन लगवाओ, बी वैक्सीनेटेड, और डोजेस चल रही हैं, पहली डोज, दूसरी डोज. सो 18+ की आई हुई है, अब बिलो 18 भी आने वाली है. सो वैक्सीनेशन क्या है एक्चुअली में, जैसे हम बच्चा जब पैदा होता है तब से ही उसको हम कहते हैं ना, टीकाकरण करवाइए, वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है. हमें भी बहुत सारे इंजेक्शन्स लग चुके हैं, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, पोलियो ड्रॉप्स मिले हैं. सो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, वेरी कॉमन. सो ये सब वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, बेसिकली क्या किया जाता है, इनमें एंटीबॉडीज़ की इंट्रोडक्शन करवाई जाती है. वैक्सीन्स के थ्रू क्या होता है, हम एक तरह से बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे होते हैं. जो भी पैथोजन है, कॉजिटिव पैथोजन है, जिसके कारण जो बीमारी होती है, उस पैथोजन का कुछ एक पार्ट, या उसका पूरा पार्ट, या उसका आधा पार्ट, या उस पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन्स वाला पार्ट, उसको क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है. या आप ऐसे मान लीजिए कि जो भी कॉजिटिव एजेंट होता है, अगर कोई बीमारी किसी वायरस की वजह से हो रही है, जैसे पोलियो वायरस की वजह से होता है, तो पोलियो वायरस को इनएक्टिव किया जाता है, उसे वीकेंड किया जाता है. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में उसे होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि ब्लड फ्लूइड्स में मिक्स हो जाए और जल्दी काम करे एक्शन. ठीक है, तो वहाँ पे जाया जाता है ताकि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाए, चुकन्ना हो जाए, और जब अभी कभी फ्यूचर में ऐसा अटैक हो, वायरस इन्फेक्शन हो, तो हमारी बॉडी उसको मेमोराइज़ करे, और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, और उस एंटीजन के खिलाफ लड़े. एंटीजन को क्या होते हैं, जो भी अटैकिंग फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया. और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी बनाती है. ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी सेल्स बनाती है, उनसे लड़ने के लिए, उन एंटीजन से लड़ने के लिए. सो वैक्सीनेशन बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है. ये प्रोसेस है, इसका बेसिकली मेन फंडा क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, कि ये मेमोरी पे काम करता है. जैसे हम जब टीका लगा रहे हैं, किसी भी पोलियो का टीका है, या किसी भी बीमारी के लिए हम टीका कर रहे हैं, टीकाकरण अगर हो रहा है, या जैसे अभी हम कोविड का ही ले रहे हैं, उसमें क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पैथोजन, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो वो बीमारी कॉज करता है, उसको वीकेंड किया जाएगा. ठीक है, उसके किसी पार्ट को ले लो, या उसकी एंटीजेनिक प्रोटीन्स को ले लिया जाएगा, या पूरा का पूरा पैथोजन ही वीकेंड किया जाएगा, उसे इनएक्टिव फॉर्म में ले आएगा. जैसे हम मतलब एक तरह से किसी चीज़ को कह लेते हैं कि बेहोश कर दिया जाता है, वैसे करके, तो उसको एक तरह से बॉडी फ्लूइड में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी ऐसा ऑर्गेनिज्म अटैक करे, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो जागरूक हो जाएं, उन्हें वो याद आ जाए. ठीक है, ये मेमोरी पे काम करता है, और हमारी बॉडी जो एक्चुअल इन्फेक्शन है उसके खिलाफ लड़ सके.
और हमारी बॉडीज़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाए। और वो कैसे होगा, जैसे बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, बी एंड टी सेल्स जो हैं इम्यून सिस्टम के, जैसे हमने पढ़ा भी था पीछे, हमने पढ़े हैं टाइप्स के, वो उनकी एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी और वो क्या करेंगे, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके लिए उस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को बनाएंगे जिससे वो वायरस मर सके तेज़ी से। सो ये प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। देन वी हैव एलर्जीज़, ये 1 या 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं एज ए पॉइंट, मतलब डिफाइन के लिए कि एलर्जीज़ क्या होती हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं मुझे एलर्जी होगी है, आई हैव गॉट एलर्जीज़, एंड समटाइम्स हम मेडिसिन भी लेते हैं, एलर्जी वाली टैबलेट खाते हैं, बड़े सारे लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं, खारिश हो जाती है। सो ये बॉडी का एलर्जीज़ बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, एक तरह से इंडिकेशन है, ठीक है, ये एक इंडिकेशन है इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स देता है, सडन रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, कि बॉडी में कुछ हुआ है, कोई हलचल हुई है। जब बॉडी में कोई ऐसे एंटीजन्स फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे इन्वायरमेंट से, तो इम्यून सिस्टम फटाफट से एक रिस्पॉन्स, एक तरह से ट्रिगर सा दबने शुरू हो जाता है, एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है कि कुछ खतरा है, और उसको नाम दे दिया जाता है एलर्जीज़। जो सबस्टांसिस मतलब जिन सबस्टांसिस की वजह से इम्यून सिस्टम ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है, बॉडी को अलर्ट करता है, इंडिकेशन देता है, वो होते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में आते हैं, अटैक करते हैं, पर हमारी बॉडी हम इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो उससे इनको कहते हैं हम एलर्जेंस। और एलर्जीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्स जो इम्यून सिस्टम देता है, और इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो होती हैं IgE टाइप, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये समटाइम्स पूछ लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट वैक्सीनेशन एंड एलर्जीज़। आई होप इससे पिछले जितने भी हमने डिफाइंस पढ़ी वो आपको डेफिनेशंस में ही आ सकती हैं। अब मेन फोकस है हमारा जितने भी डिजीज़ हैं, ये जो चैप्टर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स की चैप्टर की वेटेज एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स की थोड़ी कम रहती है। सो इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, ये जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। सो समटाइम्स 1 मार्क्स में आपको डिफाइन आ सकती है किसी भी, मतलब एक कोई पर्टिकुलर डिफाइन होगी। सो मैं इस तरह से क्वेश्चन ये आते हैं, 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे इसमें डिजीज़ जितने भी डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, सो उन पे ज़्यादा फोकस करना है और उनके नाम अच्छे से हमें लर्न करने हैं कि कौन से कॉजिटिव एजेंट की वजह से क्या बीमारी होती है। अगर वो एड्स है तो वो कैसे होती है, क्यों होती है, कैंसर है तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, और भी बहुत सारे डिजीज़ हमारे जो चैप्टर्स में मेंशन है हमें वो अच्छे से पढ़ने हैं। तो जैसे अगर हम अपने पहले डिजीज़ की बात करें, डैट इज़ एड्स, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड एड्स। आज के टाइम पे इस बीमारी का बहुत ज़्यादा मीन्स की सुनने को मिलता है, हर 5-7 बंदों में एक बंदा एड्स से ग्रस्त होता ही होता है। और आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से जो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइजेशन आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एड्स काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है। हालांकि हमें अवेयर होना चाहिए आज के टाइम पे, मॉडर्नाइजेशन से, अवेयरनेस से, एजुकेशन से हमें अवेयर होना चाहिए, बट उतना ही इस बीमारी को बढ़ावा मिलता जा रहा है क्योंकि लापरवाहियों की वजह से भी ऐसा हो रहा है। सो एड्स क्या है, बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड मीन्स हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, लेते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स कि इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है, इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है, बॉडी का मेन पार्ट ही वीक हो जाता है। एंड सिंड्रोम मीन्स जब बहुत सारे सिम्टम्स या कुछ बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ सिम्टम्स जब इकट्ठे हो जाएं। सो एक ये ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाएगी, ओके। और ये कंडीशन जो है ये लाइफ टाइम किसी भी टाइम पे इंडिविजुअल एक्वायर कर सकता है, ठीक है, और ये कोई कॉन्जेनिटल टाइप की बीमारी नहीं है, या जैसे इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम कैंसर, ठीक है। सो इसमें क्या है कि एड्स का जो पहला केस था वो 1981 में रिपोर्ट किया गया था, ठीक है, और इस टाइम पे क्या है कि ये सभी पहले तो ये सबसे पहला केस इसका फॉरेन में ही देखा गया था, दूसरी बात ये पहला केस इसका चेन्नई में, इंडिया में चेन्नई में देखा गया था। उसके बाद ये हर जगह फैल चुकी है ये बीमारी, और नियर अबाउट 25 मिलियन पर्सन से भी ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर चुकी है लोगों को। 1981 का केस आया हुआ है और अभी तक इसने नियर अबाउट 25 मिलियन पर्सन को
यू नो किल कर चुकी है ये बीमारी। सो इसका मेन जो कॉजिटिव एजेंट रहता है वो आपका HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। और ये HIV वायरस जो है बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए कि ये इम्यून सिस्टम पे ही जोर देगा, और जोर देने के बाद क्या होगा कि इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो बॉडी कैसे लड़ेगी। और इंसान को एड्स से या वायरस की वजह से नहीं मरता, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इंसान हज़ारों बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, और वो हज़ारों बीमारियां इंसान का इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देंगी कि वो किसी एक बीमारी से भी ठीक से नहीं लड़ पाता, एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और इसका पता भी नहीं चलता है क्योंकि ये एक तरह से बहरूपी सी बीमारी है। हमें लगता है नॉर्मल सिम्टम्स हैं ऐसे, और अंदर अंदर ये बीमारी बन रही होती है, और जब तक इंसान को पता चलता है बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका होता है, जस्ट लाइक कैंसर्स। इसका कोई इलाज तो नहीं है, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ अगर आपको जल्दी पता चल जाता है बाय लक, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं या किसी के थ्रू इसको मतलब पर्सन को किसी तरह से स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। थेरेपीज दी जाएंगी, ड्रग्स दी जाएंगी, ऐसी मेडिसिंस दी जाएंगी, कुछ हद तक लाइफ स्पैन इंसान इसका बढ़ा सकता है, बट मतलब टोटली डेथ को इंसान कंट्रोल कर ले या डेथ को प्रिवेंट कर ले ये पॉसिबल नहीं है एड्स के केस में। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसके लिए जो काम कर रही हैं कि अवेयरनेस जागरूक हो, प्रिवेंशन हो। यूथ जो है आज का, यंगस्टर्स को इसके लिए अवेयर होना चाहिए। सो होता है इसमें यही है कि जैसे वायरस है वो पर्सन में एंटर करेगा किसी भी थ्रू, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, और वो इन्फेक्शन कैसे होती है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैसे होगी, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और सेक्स विद अ मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, हमें नहीं पता कि किसी के अंदर क्या बीमारी है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ठीक है, जैसे ड्रग्स लेते हैं लोग उसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, जैसे हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं। इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है, कई बार जैसे अगर हम नीडल्स लगा रहे हैं चाहे इंजेक्शन के शेप में हो, या जैसे कुछ लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, आजकल की सोसाइटी भी बहुत ख़राब हो रही है, सो वैसे होगा, इन्फेक्टेड नीडल्स होंगी तो अल्टीमेटली ब्लड में ही सब कुछ फ्यूज़ होना है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर लैक्टेटिंग मदर है या फिर प्रेग्नेंट मदर है, अगर वो HIV से इन्फेक्टेड है तो उसका बच्चा भी वैसा ही होगा, क्योंकि जो मदर करेगी खाएगी सो वही बच्चे को भी इन्फेक्शन होगी। प्लेसेंटा के थ्रू ये पार्टिकल्स जो हैं HIV के वो जा सकते हैं। सो पर HIV कैसे इफ़ेक्ट करता है बॉडी को, जब वो एक बार एंटर कर चुका है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, सो जो वायरस है उसके पास RNA का जीनोम है, ठीक है, वो रेप्लिकेट करेगा ताकि वो DNA बनाए, मींस कि RNA से DNA बन रहा है। जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि DNA क्या बनाता है, RNA बनाता है, यू नो ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, तो इसमें उल्टा होने शुरू हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, जैसे हमने सुना हुआ है जेनेटिक्स में भी, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है क्योंकि ये वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये वायरस जो है HIV वायरस, ये रिट्रो वायरस कहलाता है। रिट्रो वायरस क्या होते हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। सो दे फॉर्म DNA फ्रॉम द और RNA, ठीक है, RNA से क्या बनता है, DNA बनता है, और वो DNA भी क्या होता है, वायरल DNA होता है, HIV का ही DNA होगा। सो ये वायरसेस जो हैं वो रिट्रो वायरसेस के ग्रुप में से हैं। जैसे ही वायरल DNA बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, तो जो वायरल DNA है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा होस्ट के सेल DNA में। सो एक तरह से बहरूपिया बन जाएगा, वो भी DNA है, ये भी DNA है। और जब DNA एक इन्फेक्टेड DNA दूसरे होस्ट DNA के साथ मिक्स हो गया तो बॉडी को पता नहीं चलता, एक तरह से बॉडी को इस तरह से रखा जाता है, हाइड एंड सीक वाला खेल कह लीजिए। सो क्या होगा कि जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो वैसा ही DNA बनाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसको देना शुरू कर देगा, जो HIV है वो उसको गाइड करेगा कि तुझे ये वायरल DNA ही बनाना है। सो वायरल DNA बनता जाएगा, और सेम टाइम में क्या होगा कि HIV जो है वो टी लिम्फोसाइट्स जितने भी हैं ना उनमें एंटर कर जाएगा, ठीक है, ताकि रेप्लिकेट करें, वायरसेस की प्रोजेनी बनती जाएं। तो उसके बाद ये जो वायरसेस की प्रोजेनी है ये ब्लड में भी रिलीज़ हो जाएंगी, और जितने भी बाकी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स उनमें भी हो जाएंगी, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है, इट विल बी गेट रिपीटेड। तो इससे क्या होगा कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं बॉडी में, ठीक है, वो उनका नंबर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा।
तो जैसे अब एक सेल ने एंटर किया टी लिम्फोसाइट्स में, वो वायरस बनाएगा, फिर वो वायरस वापस ब्लड में जाएंगे और बाकी टी लिम्फोसाइट्स को करेंगे, फिर वो फिर से ब्लड में जाएंगे, ऐसे करते करते साइकिल जो है वो होती जाएगी और जो अच्छे वाले टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सारे डिक्रीज हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में इंसान को पता भी नहीं होगा कि शायद उसके अंदर एड्स की प्रॉब्लम चल रही है, और उसको वेट लॉस में होगा, सिम्टम्स कुछ इस तरह से होंगे कि वेट लॉस, डायरिया, फीवर, इस तरह से उसके अंदर होता रहेगा। सो दिस कॉजेज़ द एड्स। और इस तरह से बॉडी काफ़ी मतलब बीमारियों की लड़ने की क्षमता बहुत डाउन हो जाएगी, बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, और एक अगर नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो जाती है ना उस टाइम पर्सन को, तो वो उससे भी बच नहीं सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? अगर हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स लें, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स मीन्स जो एंटी वायरसेस के खिलाफ हैं, ठीक है, जो ये सब प्रोसेस नहीं होने देती, बट ये डेथ को नहीं कभी भी रोक पाएंगे। कुछ टाइम के लिए इंसान का जो टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन है, उसको एनहांस किया जा सकता है। एंटी वायरल ड्रग्स देते रहो इन्फेक्टेड पर्सन को, थेरेपीज देते रहो, यू नो, एक वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाओ पर्सन को, रियलाइज़ करवाओ कि ठीक हो जाएगा सब। तो इस कंडीशंस की हेल्प से कुछ हद तक इंसान को ठीक रखा जा सकता है, बट पॉजिटिविटी देके भी ठीक रखा जा सकता है, बट नॉट डेथ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड्स क्या रहेंगे इसके? जैसे ड्रग अब्यूज़ सबसे बड़ा आज का घातक जो लत लग चुकी है लोगों को, इवन यंगस्टर्स को, जो यूथ है वो है ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स अब्यूज़ से बचिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूशन से बचिए। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को भी देख लीजिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप सेफ़ हैं, तो आप जिसको ब्लड देंगे तो वो भी सेफ़ रहेगा। डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस पब्लिक सेक्टर में भी और हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट को मतलब नीडल्स एंड सिरिंजेस जो हैं वो टोटली डिस्पोजेबल होनी चाहिए कि यूज़ करके फेंक दो, फिर न्यू उसको यूज़ करिए, न्यू नीडल्स और सिरिंजेस को यूज़ किया जाए। रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए बॉडी के, बॉडी प्रोफाइल, और HIV के लिए भी कोई अगर हल्की सी शिकायत भी है तो इट शुड बी नोटेड। और सेफ सेक्स होना चाहिए, नॉट विद मल्टीपल पार्टनर्स और इन्फेक्टेड पर्सन्स। इस टेस्ट की डिटेक्शन कैसे की जाती है? ELISA के थ्रू की जाती है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELISA, और ये एक तरह से टेस्ट है, एक टेक्निक है, बायोकेमिकल टेक्निक है, जो ये इम्यूनोलॉजी जो ब्रांच है इसमें यूज़ की जाती है, ताकि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस के सैंपल को डिटेक्ट किया जाए, ठीक है। इसे हम एंटीबॉडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और एंटीजेंस के लिए भी, जैसे वायरसेस हैं, कुछ भी हैं, इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ELISA टेस्ट यूज़ किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। कल हम इसके आगे फिर से कॉन्टिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।